भिवंडी पूर्व में समाजवादी पार्टी ने लहराया अपना झंडा। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस शेख को भिवंडी पूर्व की जनता ने 45,531 मतों से विजय कर विधानसभा में भेजा। तो वहीं पर उनके समक्ष में हम आपको बता दें कि शिवसेना के उम्मीदवार रुपेश मात्रे को 44,081 मत मिले। तो वहीं पर संतोष शेट्टी जो कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उन्हें 32,165 मत मिले। लेकिन हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रईस शेख जिस तरह से भाईकल्ला में नगर सेवक के रूप में उन्हें जाना जाता था, जो विकास का दृष्टिकोण, विकास का जो एक तस्वीर भिवंडी पूरब में उन्होंने मतदाताओं के बीच में चलाने का कार्य किया, उस विकास के काम को लेकर भिवंडी शहर की पूरब की जनता ने उन्हें भारी मतों से विजयी करके विधानसभा में भेजा। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर रईस शेख का स्वागत किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में एक हर्षो उल्लास देखने को मिल रहा है, आतिशबाजी की जा रही है। रईस शेख की बात की जाए तो रईस शेख हम आपको बता दें कि भाईखल्ला और गोंडी में वो नगर सेवक रह चुके थे, विकास के नाम पर वो भिवंडी पूरब में चुनावी पर्चा दाखिल किए और विकास के नाम पर उन्हें भिवंडी शहर की जनता ने विधानसभा में चुनकर भेजा है। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़, धन्यवाद।